हाय दोस्तों, पीजी स्टडी ने एंड न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई लेकर आया हूँ। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और आप इसे विस्तार से समझें, और अंत में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि शेयर भी कर दीजिएगा, और आप लोग देखें कैसे किया जाता है। नौ दूनी नौ को पारा पड़ेंगे दो बार में, नौ दूनी 18 हो जाएगा। बचा हाथ सिले एक, नौ त्री 27, एक 28 हो गया। पिन बचा दो, नौ पच 45 46 47 हो गया। पिन इसके नीचे कट्टू उसका निशान करके पिन उसके बाद चार में दो, चार का पारा दो में पढ़ेंगे तो चार दूना 8 हो जाएगा। चार तीन 12 हो जाएगा। दो बचा हाथ एक, बचा हासिल एक, चार पच 20 हो जाएगा। 20 एक 21 हो जाएगा। ऐसे किया जाता है दोस्तों सवाल मल्टीप्लाई का। 21 हो जाएगा ये, फिर उसके बाद ये 8 उतर जाएगा। फिर 8 8 16, मतलब इसके गुणा करने बाद जोड़ दी लिया जाता है। 8 8 16 हो जाएगा 6। बचा हासिल एक, 7 2 9, फिर एक हासिल 10 हो जाएगा। बचा 0, फिर हासिल एक हो जाएगा 4, 1 5 हासिल लेके 5, 1 6 हो जाएगा। 4 2 उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे किया जाता है मल्टीप्लाई। देखिए फिर इसी तरह यह भी किया जाता है। 4 5 20, बचा दो, 4 2 9 10, फिर लगा एक, 4 3 12 13 हो जाएगा। फिर 2 5 10 0, हाथ तीन हासिल लगा एक, 2 2 9 4 1 5 हो जाएगा। दो तीन 6 1 7 हो जाएगा। 0 उतर जाएगा, फिर 1 5 उतर जाएगा। 7 3 10 0, हाथ में एक हासिल लगाएगा, 1 2 हो जाएगा। जैसे ये हुआ है उसी ठीक उसी प्रकार यह भी किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।